I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you, and I love myself. Hello, hi everyone, welcome or welcome back to my channel. मेरा नाम है इंद्रानी और आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. वो है कि 2023 को ख़त्म होने से पहले आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको ज़रूर करनी चाहिए. जो चीज़ मैं पर्सनली अभी कर रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से, तो मुझे लगा कि आपको भी ये करनी है. अगर आप विजन बोर्ड बना रहे हो तो विजन बोर्ड ज़रूर बनाओ और उस चीज़ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी आप अभी से अपने पास इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो. दैट इज़ नंबर वन. मैंने ऑलरेडी एक विजन बोर्ड पे वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल्ड वीडियो है. एक बहुत ही अमेजिंग सी टेक्निक है जिसको मैं फॉलो करके इस बार विजन बोर्ड बना रही हूँ और ये मेरी पर्सनल टेक्निक है. एंड प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है. अच्छा, तो क्यों ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर ये वीडियो आप तक आई है तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स भी आपसे बात करना चाहता है मेरे थ्रू. एंड इस वजह से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस वजह से बहुत बोलती हूँ और मुझे उसको सुधारना है. 2023 की जो अभी की एनर्जीज़ हैं, ठीक है, जो यूनिवर्स में भी जो एनर्जीज़ हैं और साथ के साथ जो हमारी एनर्जी है ना, आप जितनी भी टेक्निक्स लगा लो, आप जितना कुछ कर लो, अगर आपकी एनर्जी लो है या फिर जैसी भी है, अगर उसी एनर्जी के साथ आप 2024 स्टार्ट करोगे तो ट्रस्ट मी, जितना भी विजन बोर्ड, जितना भी आप डिफरेंट टेक्निक कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है. सो जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने के पहले और एक्सरसाइज करने के बाद में हम वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा एक्सरसाइज का सेशन है वो अच्छा रहे, उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले. तो ऐसा मत सोचना कि 1 जनवरी से हम चीज़ों को बदलेंगे, 1 जनवरी से हम खुद को बदलाव की ओर ले जाएंगे. ऐसा बिल्कुल भी मत करना. ऐसा मैं किया करती थी और इस वजह से मुझे पता है कि कुछ खास अंतर नहीं होता है. सो दिसंबर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट मंथ. अगर आपकी एनर्जी लो रही है तो आप अपने एनर्जीज पे काम कीजिए, क्योंकि वही एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन ही नहीं बल्कि अपने लाइफ के बहुत सारे जो एरियाज हैं उसको आप फुलफिल्ड कर सकते हैं, उसको आप आप खुद सेटिस्फाइड हो सकते हो. जैसा आप चाहते हो, जैसी आप अनफोल्डिंग चाहते हो, आप वो कर सकते हो. राइट, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. सबसे पहली चीज़ है फॉरगिवनेस, ठीक है. फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. जैसे कि मान लीजिए कि जब आप फॉरगिव करते हैं किसी को या फिर आप खुद को फॉरगिव करते हैं, तो जो एनर्जीज़ हैं, जो कि स्टक एनर्जीज़ हैं, वो रिलीज़ हो जाती है. और जब वो एनर्जीज़ रिलीज़ होती है तो स्पेस बचता है, ठीक है. ऑब्वियसली बात है, अगर मान लीजिए ये रूम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे तो ओवरक्राउडिंग होगा. तो हमें जो है, अगर इस रूम को खाली करना है, ये जो रूम है, इस रूम को अगर हमें खाली करना है तो हमें एक्स्ट्रा लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा. तो सेम वे हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो एनर्जीज हैं, स्टक एनर्जीज हैं. स्टक एनर्जीज मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर रहते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमें किसी ने धोखा दिया, हमें किसी ने हर्ट किया, हमारे साथ किसी ने कुछ कर दिया. साथ के साथ हम खुद के बारे में भी ऐसा सोचते हैं कि हमने ये चीज़ पहले कर लेनी चाहिए थी, हमने ये चीज़ बहुत लेट में की है, वगैरह वगैरह. तो ये जो एनर्जीज होती है ना, ये स्टक हो जाती है, ये फंस जाती है, ये आपके मैनिफेस्टेशन में भी दिक्कत लाती है और आपका जो बेसिक जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी प्रॉब्लम करती है. तो इसको रिलीज करना ज़रूरी है. जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, आपके लिए जो है जगह बनती जाएगी जहाँ पर आप मिराकल्स को एक्सपीरियंस करेंगे, पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करेंगे, है ना, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे. एंड ऑफकोर्स अपने खुद के मैनिफेस्टेशन को भी आप एक्सपीरियंस करेंगे ना. एक चीज कर सकते हो, आप एक फॉरगिवनेस लेटर लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप होपोनोपोनो कर सकते हो, लाइक आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू करके आप उस इंसान को, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, ठीक है, अगर आप खुद को भी फॉरगिवनेस, क्योंकि खुद को भी फॉरगिवनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सेल्फ लव हम इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते. तो जब भी मैं कहूँ फॉरगिवनेस, आपको समझना है कि मैं आपकी बात कर रही हूँ और आपके खुद की बात कर रही हूँ. तो फॉरगिवनेस के लिए ना आप लेटर लिख सकते हो. और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप चाहते हो कि वो रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो जाए, हील हो जाए, तो भी आप एक लेटर लिख सकते हो इस इंसान को. और जब वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा ना, तो आप ये उनको दे सकते हो. अगर नहीं देना है, दैट इज योर चॉइस, ठीक है. अगर आप नहीं चाहते हो, जैसे हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अब नहीं चाहते हैं कि वो इंसान हमारी लाइफ में वापस आए, बट पूरे दिल से हमने उस इंसान को माफ़ भी करना है, ठीक है. तो ये चीज़ आप सोचना कि एक कार्मिक डेप्थ है जो हमारा था शायद उस इंसान के साथ, वो पूरा हो गया और इस वजह से भी अब मैं उस इंसान को माफ़ करती हूँ और ख़ुद को माफ़ करती हूँ, क्योंकि उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से हम दोनों को ही म्यूचुअली दिक्कत हुई है. सो फॉरगिवनेस
जो है ये आप इस तरीके से कर सकते हो। ho'oponopono मैं करती हूँ पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए भी और सेल्फ हीलिंग के लिए भी। एक चीज़ और कर सकते हो जो कि दूसरा रिचुअल है और वो है यू नो 2023 को आपने बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देना है उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, और साथ के साथ आप 2023 को ब्लेसिंग्स भी दे सकते हो। रिमेंबर, जो चीज़ जो एनर्जी आप इस वक्त रखोगे वही एनर्जी आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी 2024 में या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। सो जब भी मैं कहती हूँ ना रीसेट करना है खुद को, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें आपका 5 मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप लेटर लिखते हो, जैसे कि बहुत से लोग, इवन मैं भी यही करने वाली हूँ कि 2023 में मैं 2023 को लेटर लिखने वाली हूँ, राइट, और इसमें मैं वो सारी चीज़ों को लिखूंगी जो मेरे साथ अच्छी हुई, छोटी, बहुत छोटी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी, जो सारी चीज़ें हुई, जैसे कि मैंने YouTube स्टार्ट करा अपना, ठीक है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये इसके लिए मैं 2023 को थैंक यू बोलूँगी। इसके साथ के साथ मुझे जो यू नो पेड कोलैब्स मिले उसके लिए मैं ग्रेटफुल होंगी। ये मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। सबसे बड़ी चीज़ हमारी हेल्थ, क्योंकि हम ही से तो सब कुछ है, हम ही से ही पैसा है, हम ही से ही सक्सेस है। तो अगर हम हेल्थ को देखें तो हेल्थ इज़ डेफिनेटली अ वेल्थ। तो आपने हेल्थ के लिए भी शुक्रगुजार होना है, अपने हेल्थ के लिए, अपने जो परिवार के लोग हैं उनके लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो ऐसे आप बहुत सारी लिस्ट बना सकते हो, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, बट मिनिमम 11-12 तो रखना ही रखना है। इससे क्या होगा, एक रिपलिंग इफेक्ट स्टार्ट होगा। ये चीज़ आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, लाइक अभी 29th ऑफ द दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं रात को ये लिस्ट बनाऊंगी। इसके बाद जैसे जैसे यू नो 31st ही रात आएगी, इसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करती जाऊंगी, और जब भी मैं फ्री होंगी हो सकता है इसको वापस से एक बार पढ़ लूँ एंड फिर से मैं थैंक यू वाली एनर्जी में आ जाऊँ, ग्रेटफुल वाली एनर्जी में आ जाऊँ। और साथ के साथ आपको ना 2023 को ब्लेस भी करना है, ठीक है, क्योंकि अगेन जो भी एनर्जी रहेगी वही एनर्जी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम लोग बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इस साल सेल्फ लव नहीं किया, दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब ये चीज़ आप इस साल से शुरू कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि साल ईयर एंडिंग है, बट फिर भी ये दिसंबर ही है, फिर भी ये 2023 ही है, तो आप इसी साल से स्टार्ट कर सकते हो। सेल्फ लव के लिए मैं आपको बता दूँ, इसका एसेंस आप समझो कि सेल्फ लव होता क्या है। सेल्फ लव में ना आपको वैसी चीज़ें करनी होती हैं जो चीज़ आपसे जुड़ी है, किसी और से जुड़ी हुई नहीं है। इवन वो चीज़ आपके दोस्तों से भी जुड़ी हुई नहीं है, वो चीज़ें खुद से जुड़ी हुई है। खुद के लिए समय निकालना, खुद के लिए खुद को पैम्पर करना, ठीक है, अपने आप को जितना हो सके अच्छा महसूस करवाना, ठीक है। इसके लिए सबसे बेसिक जिसी चीज़ ये है कि आप ना ड्रेसअप होना स्टार्ट कर दो। किसी स्पेशल ओकेजन का वेट मत करो, जो दिल में आए वो पहनो। जो चीज़ आपके वार्डरोब में बहुत दिन से रखी हुई है और आप सोच रहे हो ना किसी स्पेशल ओकेजन में पहनेंगे, नहीं, ऐसा चीज़ें नहीं करना है आपको। आप ये सोचो आप पहन रहे हो तो ही वो स्पेशल हो गया, वो दिन ही स्पेशल हो गया क्योंकि आप उस ड्रेस को पहन रहे हो। तो कोई भी ड्रेस अगर बची हुई है ना, नहीं कि नहीं, जो आपने 2023 में नहीं पहनी है, तो उसको निकाल के उसको पहनो, ठीक है। ड्रेसअप हो, मेकअप करो, ठीक है। अगर आपको मेकअप नहीं पसंद है, देखो मेकअप जो है ना वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको मेकअप नहीं करना है तो बहुत सारा स्किन केयर करो, ठीक है। स्किन केयर भी आपको बहुत ज़्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर आता है जिससे कि मैंने अपनी स्किन केयर की शुरुआत की थी। स्किन केयर करो, इससे क्या होगा ना, आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद ही एक अलग सा एक वाइब क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि आप सोचो आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, उसकी इतनी अच्छी अच्छी खुशबू होती है ना, वो खुशबू निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। तो बस आपको ना स्किन केयर करना है, आपको खुद को अच्छा महसूस ना सिर्फ करवाना है बल्कि आपको खुद को बहुत अच्छा दिखाना भी है। फिजिकली जो चीज़ आपको दिख रही है, जो चीज़ आप चाहते हो कि आपको कॉन्फिडेंस दे, आपको एक हाइप दे, ठीक है ना, जिससे कि आपकी एनर्जी हाई रहे। बेसिकली यही हमको करना है, अपनी एनर्जी को है वो हाई करना है। आप डांस कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हो, और सबसे फेवरेट है मिरर वर्क कर सकते हो आप। आपको ना सेल्फ अफर्मेशंस देनी है, सेल्फ अप्रिसिएशन की अफर्मेशंस देनी है, जो चीज़ आपको अपने के बारे में पसंद है उनकी, और साथ के साथ वो सारी चीज़ जो शायद आप चाहते हो कि अपने आप में आपको वो बदलना है अपने लिए, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं ना, इससे आप देखोगे कि आप खुद ही को चीयर अप कर सकते हो। बी योर ओन चीयर लीडर, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, बी योर ओन कॉन्स्टेंट। तो एक चीज़ और है, इन केस आपको अफर्मेशंस नहीं करनी, आप एक सिंपल अफर्मेशंस कर सकते हो, और उसके लिए आपको आपके मिरर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास मिरर नहीं है तो सेल्फी कैमरा के साथ भी आप कर सकते हो, बट आई हाईली डाउट कि मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास मिरर ही ना हो। इस चीज़ को करने में भी आपको 2 सेकंड लगेगा, लाइक पक्का 2 सेकंड लगेगा। आपको ना आपको खुद ही को आई लव यू बोलना है और आपको खुद ही को थैंक यू बोलना है, ठीक है। मिरर में देख करके खुद को बहुत सारा थैंक यू और खुद को बहुत सारा प्यार भेजना है, क्योंकि ये आप ही थे जिन्होंने इस साल और पिछले जितने भी साल है ना
उसमें खुद को संभाला है। आपको ऐसा लगता है कि आपको संभालने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है, बट ट्रस्ट मी, ये आप खुद ही हो जो आप खुद को संभालते हो। तो खुद को अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी होता है। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, खुद को लव यू बोलो, बहुत सारा लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू। और खुद को आप एक ग्रेटिट्यूड लेटर भी लिख सकते हो इस साल में ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए जहाँ पर आपको लगा कि आपने खुद का साथ दिया, खुद को मोटिवेट किया, खुद को इंस्पायर किया। और साथ के साथ आप 2024 के लिए भी एक ग्रेटिट्यूड लेटर एडवांस में लिख सकते हो। बट दैट वुड बी, आई थिंक आप वो 1-2 तारीख को करो ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। बट अभी हम लोग का पूरा जो फोकस है ना वो 2023 में है, और क्योंकि ये साल चल रहा है और इसके साथ साथ खुद में है, तभी तो आप एक अलाइनमेंट में आओगे खुद के साथ। खुद को एक डेडिकेट करना कि यस, हाँ यार, मैंने तो चाहे जो भी हुआ, दुनिया इधर से उधर हुई, ऐसा लगा कि मेरी दुनिया ख़त्म ही हो जाएंगी, ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आ रहा है, ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त है, मैं ही तो थी जो कॉन्स्टेंट थी। बी योर ओन कॉन्स्टेंट, ठीक है? अपना बेस्ट फ्रेंड बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? मैनिफेस्टेशंस होंगी, होती रहेंगी, होती जाएंगी, बट अगर आपकी जो ये वाइब्रेशन है ना वो हाई, सबसे ईजी तरीका है खुद को एक्सेप्ट करके, खुद को अप्रिशिएट करना और खुद को एक बहुत बड़ा हक देना और खुद को ये महसूस करवाना कि येस, आई एम सेफ इन दिस मोमेंट एंड आई एम प्रोटेक्टेड इन दिस मोमेंट एंड आई लव माई सेल्फ एंड आई जस्ट आई एम सो ग्रेटफुल टू बी विथ माई ओन सेल्फ, है ना? और इसके साथ के साथ ये चीज़ आप लिख सकते हो। और इस चीज़ को अगर कुछ नहीं करना है ना, एक फीलिंग जनरेट करके आपको जितनी बार आप मिरर देखते हो, रास्ते में, गाड़ियों में, जहाँ भी, आप खुद को बस बोलो यार, आई लव यू, तू मेरे साथ थी ना, बस बहुत मज़ा आ गया, तू मेरे साथ है ना, बस मुझे पता है, ऑल इज़ वेल विथ मी, ऑल इज़ ऑलवेज गोइंग टू वेल विथ मी, ठीक है? सो ये चीज़ आप कर सकते हो। द एसेंस ऑफ दिस वीडियो इज़ कि भाई, खुद को इतना पैम्पर करना, खुद को इतना हाइप में रखना, खुद को इतना खुश करना कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से बॉदर कर रही है, उसको हम रिलीज़ कर सकते। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। मुझे ये वीडियो इसीलिए बनानी थी ताकि मैं ये चीज़ आपको समझा सकूँ कि मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो हो जाएंगी, वो होती रहेंगी। नेवर टू मच रिलाई ऑन टेक्निक्स, खुद के वाइब्रेशंस पे काम करो। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ऑल आई वॉन्ट यू टू डू इज़ कि आप बहुत सारी प्यार और ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड के साथ 2023 को अच्छे से विदाई करो। ऐसे विदाई करो जैसे कि वो आपका ही एक पार्ट है, जो कि ऑब्वियसली वो हमारा ही पार्ट है, हम ही ने जिया है। और एक बहुत ही अच्छे से ना 2024 को वार्म वेलकम करो। और उसके लिए आपको 1 तारीख को करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी से 28, 29, 30, 31 से ही एक अच्छी अच्छी एनर्जी रिलीज़ करोगे ना खुद से 2023 के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होंगी 2024 में, ठीक है? सो मैं जल्दी से इस वीडियो को एडिट करूँगी एंड मैं आज शाम तक इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगी ताकि ये वीडियो जल्दी आप तक पहुंचे और आप इसका बहुत सारा लाभ उठा पाएं। अदरवाइज़ ये वीडियो जब भी आप देखोगे, आप समझ जाना कि आपको रीसेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये साल के एंड या साल के शुरुआत की बात नहीं है, यहाँ पे ये है कि आपकी जो भी एनर्जीज हैं, जो स्टक एनर्जीज हैं, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। जब घर गंदा होता है तो हम ये नहीं देखते कि हम दिसंबर 2023 को ही घर साफ़ करेंगे, नहीं ना, जब ज़रूरत पड़ता है हम तब करते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो हम समय नहीं देखेंगे। ये तो अभी ऐसा हो रहा है कि एक मतलब एक होता है ना, एक लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, बचपन से हम देखते आए हैं, बट वो रेजोल्यूशन पूरा इसलिए नहीं होता क्योंकि नींव ही कमज़ोर होती है। तो आज से और हमेशा से हमने अपनी फाउंडेशन पर काम करना है, ठीक है? और वाइब्रेशंस पर काम करो, चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आएगी एंड चीज़ें अपने आप से स्मूथ हो जाएंगी। तो अच्छा फील करवाओगे जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, एक अनकंडीशनल सा बॉन्ड हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्निक नहीं बताई, मैंने आपको माइंडसेट बताया, मैंने आपको एक वे ऑफ लिविंग बताया है। ये ना, ये अपनी जिंदगी में आपने उतारना है। मतलब इसमें 2 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आपने खुद को मिरर पे देख करके आई लव यू बोल दिया। 3 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप मेट्रो में हो, आप गाड़ी में हो, कोई ऐसी 5 चीज जो आपको आपके बारे में पसंद है, आपने उसके लिए खुद को थैंक यू बोल दिया, कोई टाइम नहीं लगेगा, राइट? सो ये चीज़ें लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं और इसके साथ साथ आप देखेंगे आप खुद अलाइनमेंट में आ जाएंगे। फिर आपको ना कोई भी एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है उसमें से आपको अटैच होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो विथ दैट, एंड हाँ, 2023 को ग्रेटिट्यूड लेटर ज़रूर लिखिए, चाहे वो आप 28 को भी कर सकते हैं, 29 को भी कर सकते हैं, 30 को भी कर सकते हैं और 31 को भी कर सकते हैं। विथ दैट, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हमारी कम्युनिटी जो है वो साथ साथ ग्रो करे और हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें बांट सके। हम इसको एंड करेंगे हो मोनो मोनो प्रेयर से ताकि बहुत सारी हीलिंग मैं आपको सेंड कर पाऊँ और एक अच्छा सा एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। ओके, सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू एंड आई लव माई सेल्फ अ लॉट। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो or maybe next year. Bye.